बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा की मौत की खबर ने इंडस्ट्री समेत सबको हिलाकर रख दिया है। जैसे ही खबरें आई कि मलाइका के पिता बिल्डिंग से गिर गए हैं और उनका निधन हो गया है, सब हैरान हो गए और स्टार्स आनंद फानन में एक्ट्रेस के घर पहुंच गए। सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। ये बात भी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उन्होंने आत्महत्या की है या खुदकुशी। निधन की खबरों के बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि अनिल मेहता मलाइका के असली पिता नहीं थे, वो मलाइका के सौतेले पिता थे। दोनों की उम्र में केवल 11 साल का अंतर है। अनिल मेहता का जन्म 11 फरवरी 1962 को हुआ था, वहीं मलाइका अरोड़ा का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को हुआ था। इस तरह से दोनों की उम्र में सिर्फ 11 साल का अंतर है। मलाइका की माँ जॉयस पॉलीकॉर्प एक मलयाई ईसाई हैं, जिन्होंने अनिल मेहता के साथ दूसरी शादी की थी। अनिल मेहता पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे और भारत में पंजाब की सीमाई शहर फाजिल्का के रहने वाले थे। मलाइका की उम्र सिर्फ 11 साल थी जब दोनों ने तलाक ले लिया था। इसके बाद मलाइका अपनी माँ और बहन अमृता के साथ चेंबूर चली गई थी। जॉयस ने सिंगल मॉम रहते हुए अपनी दोनों बच्चियों का पालन पोषण किया था। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार जॉयस ने अनिल मेहता से शादी करने से पहले एक और शादी की थी। अपने पहले पति के साथ ही वो मलाइका और अमृता की मां बनी थी। बाद में दोनों अलग हो गए थे, लेकिन ये बात अभी तक कभी सामने नहीं आई कि अनिल उनके असली पिता नहीं थे। मलाइका के असली पिता कौन है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बुधवार को मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने पिता अनिल कुलदीप मेहता के निधन की दुखद जानकारी दी और कहा कि इस समय उनका परिवार गहरे सदमे में है। कहा यह भी जाता है कि अनिल मलाइका और अमृता को बेहद प्यार करते थे, इसी वजह से ये बात कभी नहीं उठी कि वो उनके सौतेले पिता हैं। अनिल को हमेशा अपनी बेटियों को प्यार करते ही देखा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मलाइका और अमृता के परिवार पर इस समय मुश्किल घड़ी है और इस घड़ी में उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके करीबी दोस्त उनके साथ खड़े हैं।